पहला सवाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद अपना आंसर लॉक कर लेना और फिर मेरे आंसर को सुनना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म अ वोलेटाइल कार्बोनिल, वोलेटाइल कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज टेकन एडवांटेज फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन, दिस मेटल इज। पहले अपना आंसर लॉक कर लो वीडियो को पॉज करके, आपने आंसर लॉक कर लिया तो चलो मैं अब आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर है निकिल, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। निकिल क्या करता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल जो कि वोलेटाइल होता है और उससे उसका सेपरेशन आसान हो जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं गाइज, पढ़िए अपना सवाल फिर उसके बाद लॉक कर लीजिए। द एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस, आपको पूछा है कि कलरलेस कौन सा है। पहले अपना आंसर लॉक कर लो फिर मेरा आंसर सुन लेना आप लोग। तो आपने लॉक कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है डी। अगर आपने इसका आंसर डी लगाया, कैसे चेक करोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो क्योंकि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। स्कैंडियम देखिए 21 नंबर पर आता है, फिर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो आपको कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं मिलने वाला। सो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा तो ये कलरलेस होता है, इसका आंसर हो गया डी। तो दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए सी एंड डी। अगर आपने सही किया है तो आपको कितने मार्क दे देने अपने आपको, प्लस एक। चलो इनके आंसर्स के दर्शन भी आप लोगों को फटाफट से करवा देता हूँ, ठीक है। सो फाइनली दीज आर दी आंसर्स। निकिल क्या करता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है जो कि कैसा होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। ये है निकिल टेट्रा कार्बोनिल, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लगा हुआ है तो आप देख लेना उसको, ठीक है। और साथ में स्कैंडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और फाइनली देखिए स्कैंडियम पे प्लस थ्री अगर आ जाए तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये अनपेयर, ये क्या होगा बेसिकली, कलरलेस। तो चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल पहले आपको सोल्व करना है फिर उसका आंसर मुझसे चेक कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर इसमें से कौन से मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो बताइए अपना आंसर लॉक कर लिया आपने, ए FeSO4, ZnSO4, AgNO3 या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपने अपना आंसर लॉक कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को क्या करेगा, कॉपर बेसिकली उसको अलग कर सकता है। वैसा क्यों, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो उसको उसके सॉल्यूशन से अलग कर सकता है। लेकिन जिंक से ज्यादा एक्टिव नहीं है कॉपर, और Fe से ज्यादा एक्टिव भी नहीं है। इसका आंसर मैं आपको इनके नीचे रिडक्शन पोटेंशियल से भी दे दूंगा। अगला सवाल चेक करो, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट, पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ट्रू है ना। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के सारे जो मेटल है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको चेक कर लो, पहले अपना आंसर लॉक कर लो, कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर है बहुत ही आसान, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर के दर्शन मैं आप लोगों को करा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ये आपको ई नोट का वैल्यू दे रखा है जिंक के लिए, कॉपर के लिए, Fe के लिए, Ag के लिए, जरा चेक कर लो। तो फाइनली यहां पर इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि ये सी क्यों है, क्योंकि कॉपर इज मोर एक्टिव देन सिल्वर, isn't it? तो ये आपको यहां से भी चेक हो जाता है। सेकेंड जो क्वेश्चन पिछली अभी देखा आपने उसका आंसर है सी, क्यों ऐसा होता है जरा चेक कर लो कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर जोर हो गए, तो चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चन आर देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन AEEE 2011 का क्वेश्चन है। ये कहता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स Which of the following statement is not correct? कहता है lanthanoids के लिए कौन सा statement correct नहीं है। अपना answer lock कर लो, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने अपना answer lock कर लिया तो चलो मैं अपना answer बता देता हूँ। देखो option wise check कर लो, there is a gradual decrease in radius of the members with increasing atomic number, बिल्कुल ये तो सही है, not correct पूछा आपसे। All the member exhibit +3, बिल्कुल सही है, +3 oxidation state दिखाते हैं। Because of similar properties, the separation of lanthanoid is not easy. बिल्कुल सही बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ 4F, ये नहीं पॉसिबल है। देखिए 4+4 वाली जो स्टेट है इनके लिए थोड़ी सी रेयर होती है क्योंकि वहां पर एनर्जी की कंजप्शन ज्यादा होती है। तो इसका आंसर हो गया डी, जो आपसे इनकरेक्ट पूछा था। तो अगर आपने डी लगाया तो इसका आंसर सही है। चलो आपको इस आंसर का दर्शन भी करा देता हूं, आपको डी आंसर है, जरा चेक कर लो। यहाँ पर सबके एक्सप्लेनेशन दिए हुए, आंसर इसका डी है। तो उसमें ए क्यू नहीं हो सकता, बी क्यू नहीं हो सकता, सी क्यू नहीं हो सकता, उसका रीजन लिखा है, फटाफट से आप पढ़ लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और डी क्यू हो सकता है, उसका आंसर भी लिखा है क्योंकि ये इनकरेक्ट है, जरा चेक कर लो। तो सबके आंसर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। सो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, जो कि जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज स्टेटेड अगेंस्ट,
देखिए ये पूछ रहा है कि सामने जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है उनसे कौन सा ऑर्डर मैच ही नहीं करता है, तो आपको आंसर निकालना है। पॉज कर लो वीडियो को, आपने अपना आंसर निकाल लिया, तो चलो मैं आपको आंसर दे देता हूं। यहां पर इसका आंसर होगा ए। अब क्यों है ऐसा, तो चलो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं विद आंसर। ए बी सी डी में से ए ही क्यों है, तो देखिए चारों के मैंने आंसर्स यहां पर लिख रखे हैं। देखिए यहां पर वेनेडियम प्लस टू, यहां पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्रोमियम प्लस टू में 4 होंगे, मैग्नीज में 5 और एफ ई में 4। तो इस हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये था, क्योंकि वहां पर ऑर्डर गलत था। बी बिल्कुल सही है क्योंकि आयनिक जो साइज है डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। सी भी सही है, एनसीईआरटी के हिसाब से डेटा आपको दिया है उसके हिसाब से मैच कर लो, सी भी सही है। और डी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 3 टू 2 ग्रुप 7, तो ये भी सही है। तो आपसे आंसर पूछा था कि गलत कौन सा है, तो इसका आंसर था ए। अगर आपने ए लगाया तो इसका मतलब आपके प्लस 4 मार्क हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल जो कि AIIMS 2005 का क्वेश्चन है, तो देखिए आपको आता है कि नहीं, ठीक है अपना आंसर लॉक कर लो। द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट, इसमें से कौन सा फैक्ट है जिसके लिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछा आपसे। तो आपका आंसर क्या है जरा चेक कर लो। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है तो आप आंसर कर पाओगे। क्या कहता है, जर्कोनियम टू येट्रियम हैव अबाउट द सेम रेडियस, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि जर्कोनियम टू येट्रियम ही होता है या फिर कहां तक होता है, आपको चेक करना है, ठीक है। या फिर जर्कोनियम टू हॉफनियम होता है, सो देखिए, या फिर जर्कोनियम टू नबीबियम होता है, या फिर जर्कोनियम टू जिंक होता है। अब ये तो नहीं होता, तो डी आंसर नहीं हो सकता, तो आपको बस यहीं पे कंफ्यूजन है, तो आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। सो फाइनली इसका आंसर बनता है सी। अगर आपने सही किया है तो इसके प्लस 4 मार्क मिल गए आपको। 8 क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं फटाफट, जो कि AIIMS 2008 का क्वेश्चन है। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक रेडियस क्रोमियम वुड बी स्मॉलेस्ट, इसका आंसर देना भी बहुत आसान है, दोनों आंसर मैं दर्शन नीचे करवा दूंगा आप लोगों को। तो इसका आंसर आप लॉक कर लो फटाफट से, आपका आंसर क्या है। तो चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट उसका होगा जिसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईएस्ट होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही साइज स्मॉल होता है, तो इसका आंसर हो गया ए। सो फाइनली 7th और 8th का आंसर मैं आपको सी और ए बता दिया है, तो जरा इनके आंसर्स को चेक कर लेते हैं। सी तो फैक्ट फाइल है जिसको आप कहाँ से देख सकते हो, अपनी एनसीईआरटी की बुक से अभी जाके देख सकते हो। ए के लिए मैंने आपको बता दिया कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट एबीसी के लिए, एबीसीडी के लिए +6 +4 +3 +3, तो इनके आंसर्स आपको मिल गए। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइस, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंटरेस्टिंग है जरा चेक करो। कहता है K2Cr2O7 को जैसे ही आप हीट करते हो तो यहां पर ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से ये पूछ रहा है कि ये क्या है। तो क्वेश्चन है एक्स क्या है, तो फाइनली अपना आंसर लॉक कर लो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। क्या आपने अपना आंसर लॉक कर लिया, तो चलो आपने अगर अपना आंसर लॉक कर लिया है तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा बी Cr2O7। जैसे ही आप K2Cr2 को आप हीट करते हो फाइनली यहां पर जो एक्स प्रोडक्ट निकलता है वो Cr2O7। वैसे भी इसको गैस करना आसान था, आप यहां पर रख रख के देख लो, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस है, तो जहां पर इसकी बैलेंसिंग हो जाती है वो आंसर आपको अप्रोप्रिएट लगता। तो एक्चुअल में इसका आंसर होगा बी, जिसमें यहां पर बैलेंसिंग भी हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चेक कर लो। एक्सेस ऑफ KI, ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि AIIMS 2004 का क्वेश्चन है। अगर आपको आता है इसका मतलब आपकी डी और एफ की प्रिपरेशन अच्छी है। जरा चेक करो, एक्सेस ऑफ KI रिएक्ट विद CSO4 सोल्यूशन, देन Na2S2O3 सोल्यूशन इज एडेड टू इट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहले आप KI का रिएक्शन जो है बेसिकली CuSO4 से करवाते हो, ठीक है, और फाइनली CSO4 से करवाने के बाद यहां पर जो भी प्रोडक्ट आता है यहां पर उसकी रिएक्शन किससे करवाते हो, ऑब्वियसली यहां पर आयोडीन निकलता है, उसकी रिएक्शन किससे करवाते हो आप, Na2S2O3। सो फाइनली आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज करेगा या खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो आपसे पूछा कि यहां से इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा आपसे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो अपना आंसर आप लॉक कर लो फटाफट से। तो चलो मैं आपको आंसर बताऊं, एक्चुअल में इसका आंसर है डी डी डी। फाइनली अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है। तो चलो दोनों आंसर के क्वेश्चंस के आंसर का दर्शन करवा देता हूं ताकि आपको अपने डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो फाइनली दीज आर दी आंसर। सो फाइनली ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है बी जो कि है Cr2O3, एंड नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर है डी। नाउ दिस इज डी। देखिए यहाँ पर CSO4 को कैसे रिएक्शन कराते हो, तो K2SO4 बनता है, यहाँ साथ में Cu2I2 बनता है। अब ऐसा क्यों, सबसे पहले देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो I है बेसिकली और Cu है, तो आपका बस यही चेक करना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, बात समझ में आ रही है। सो फाइनली आई खुद किसे -1 से किस पे चला जाता है,
जीरो पे दिखाई दे रहा है, और कॉपर जो है वो प्लस टू से कहाँ चला जाता है, प्लस वन पे, तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो ये तो घट रहा है और ये बढ़ रहा है, मालूम पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ जो आयोडीन है वो जीरो से कहाँ जा रही है, माइनस के वन पर, और यहाँ जो सल्फर है वो टू से कहाँ जा रहा है, 2.5 पर, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शंस है, इसका आंसर होगा डी। सो फाइनली ये 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस है मेरी तरफ से डी और एफ ब्लॉक के, गाइस आप लोगों को पसंद आए होंगे शायद, सो आपकी प्रिपरेशन शायद बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करो इन वीडियोस को, सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, और लाइक करो, थम्स अप दो, और फाइनली कमेंट सेक्शन में आपको अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखने ही है ताकि मैं आप लोगों को सजेशन दे सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।